पुणे पुणे भलाए जा विश्व भार भाण तोते देख को रावण बुलाए जानकी बच कती जति सीता देवे कहते सुन तपी घर क्यों ऋषि हटती जय तुम पेयर सत महाज्ञानी पंडित नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत की इस विशेष श्रृंखला में हम आपको मिलवा रहे हैं उड़ीसा की आदिम जनजातियों से, और आज हम बात करेंगे लोधा जनजाति की। लोधा जनजाति को अंग्रेजों के ज़माने में आपराधिक आदिवासियों की श्रेणी में रखा गया था और बाकायदा इनके लिए कानून बनाया गया था। हालांकि 60 के दशक में वो कानून खत्म कर दिया गया और सरकार ने इनके पुनर्वास पर काम शुरू किया। इसके लिए कई योजनाएं बनी, काफ़ी पैसा खर्च हुआ। आज हम मयूरभंज जिले के चिटामाटिया गांव में हैं ये जानने के लिए कि क्या ये पुनर्वास योजनाएं काम कर रही हैं, क्या इन आदिवासियों के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था की गई है, इनके शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का क्या हाल है। इस एपिसोड में यही सब जानने की कोशिश होगी। मयूरभंज जिला मुख्यालय बारीपदा से चिटमाटिया गांव तक पक्की और अच्छी सड़क है। हमें यहां पहुंचने में करीब 45 मिनट लगे। आप इसे गांव या बस्ती जो भी कहना चाहें। यहाँ पर 75 परिवार हैं और कुल आबादी है 252। यहाँ पर लोधा आदिवासियों को सरकार ने इंदिरा आवास योजना के तहत मकान दिए हैं। बस्ती में पक्की सड़क भी है। सुबह करीब 7 बजे का समय है। कुछ घरों से चूल्हे का धुआं उठ रहा है। बस्ती में कम ही लोग नजर आ रहे हैं, कुछ महिलाएं और बच्चे हैं। महिलाओं में ज्यादातर के पास तन ढकने को भी कपड़ा कम पड़ रहा है। बच्चों में कुपोषण को समझने के लिए किसी रिपोर्ट के हवाले की जरूरत नहीं है। कुछ शुरुआती झिझक के बाद ये लोग हमसे बातचीत करने लगते हैं और इनकी भाषा में बातचीत की हमारी कोशिश जल्दी ही इन्हें हमारे साथ सहज बना देती है। अच्छा, एक सप्ताह है को तो तुम्हारा एटा जमा करते पाड़ो एटा धर जमा होय ने हमारा संगे संग करवार के जी संगे संग ने चले जाओ। बातचीत में पता चलता है कि लोधा आदिवासी सुबह सुबह जंगल चले जाते हैं और वहां से जड़ी बूटी जमा करके लाते हैं। इन्हीं लोगों में से एक सुशांतो भक्ता जंगल निकलने की तैयारी कर रहे हैं। वो हमारे साथ बातचीत में समय खराब नहीं करना चाहते। सुशांतो कहते हैं कि अब उन्हें जड़ी बूटियों के लिए जंगल में काफी दूर तक जाना होता है। को तो दूर है तुम्हारे जंगले जेते जाए होय एटा खोजते होते पर 30 किलो जाते होवे ना 40 किलो जत तो दूर जाले टेंशन नहीं। कम से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर एकटा तीन डगे पाबे और कई बार 35 से 40 किलोमीटर डरता के होवे 4:00 पर्यंत तुम रात भी हो जाओ हो ना हो पीछे ने बोस भी तो हाँ तो ताले इटा छोड़ा हो बोस भी को तो
हम उनके साथ आज पूरा दिन बिताना चाहते थे जंगल में, ये जानने के लिए कि ये लोधा आदिवासी अपनी रोजी रोटी कैसे जुटाते हैं। तो आज हम सुशांतो भक्ता के साथ जंगल में जा रहे हैं साइकिल पे। हालांकि इनका इन्होंने हमें चुनौती दी है कि ये देखते हैं हम कितनी दूर तक इनके साथ जंगल में जा सकते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि कई बार 15 से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक जाना पड़ सकता है, पूरा दिन आपको लग सकता है वो जड़ी बूटियाँ खोजने में, जो ये जड़ी बूटियाँ खोजने के लिए जंगल में जाते हैं। तो आइए, इनकी चुनौती को हमने स्वीकार किया, कितनी दूर तक हम साइकिल चला सकते हैं और कितनी दूर तक इनके साथ जा सकते हैं, कोशिश जरूर करेंगे कि आज इनके साथ हम जड़ी बूटी ढूंढ के लाएं जंगल से। आइए आशो, बोशे जो बोशे जाओ, बोशे जाओ, बोशो। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के जंगल में औषधीय पेड़ों की भरमार है। भारत में औषधीय गुण वाले जितने भी तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं, उनमें से लगभग सभी तरह के पेड़ पौधे यहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा कई तरह की वनोपज भी इन जंगलों में होती है, जो आदिवासियों के जीने का सहारा बनती है। इनकी बस्ती से निकलने के बाद हमें ये लगा था कि हम जंगल में आ गए हैं, जिन पगडंडियों पर हम चल रहे थे, लेकिन अब हमें समझ में आया है कि वो शॉर्टकट था इस सड़क तक पहुँचने के लिए, जो बालेश्वर नाम की एक जगह है वहाँ पर जाती है, और जहाँ के जंगलों से ये वो जड़ी बूटी इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद यहाँ से पश्चिम बंगाल की सीमा बहुत नज़दीक लगती है, वहाँ के हाट में एक व्यापारी को वो 60 रुपए किलो वो जड़ी बूटी बेच देंगे। बालासोर डिस्ट्रिक्ट के जाबे की ओ और तारपोड़े ओकाने बिक्री करते जाबे शीतू। उड़ीसा के आदिवासी इलाकों में बेहतरीन सड़कें हैं, लेकिन इन आदिवासियों के लिए ये सड़कें किस काम की हैं, ये हमें समझ नहीं आया। इस बीच हम सुशांतो के कहने पर साइकिल जंगल की तरफ जाने वाली पगडंडी पर उतार लेते हैं। बस बस उतरो। मैंने भय देखा चु अब समझ में आ रहा है कि इनकी चुनौती सचमुच में बहुत बड़ी थी। सही कह रहे थे, करीब करीब 12-15 किलोमीटर दूर आके भी इनका कहना है कि यहाँ पे वो जड़ी बूटी नहीं मिलेगी, और ये भी कह रहे हैं कि गांव के लोगों ने आसपास जो जंगल है उसकी जड़ी बूटी पहले ही ख़त्म कर दी है, और अब उसके लिए उनको बहुत दूर जाना पड़ता है। चलिए, जब आपसे वादा कर दिया तो कर दिया, आइए। हम सुशांतो के साथ आगे चलते हैं जंगल में। आदिवासियों के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं, और आखिरकार सुशांतो को सफलता मिलती है। मिट्टी रही है बाबा, एखान के देखो खूब तीता चाकी देखो खूब तीता। ये जो जड़ है इसको आप सुखा के कूट के पानी में मिला लें, या पाउडर बना लें और पानी के साथ खा लें। जिस भी तरह का दर्द हो, चाहे वो पेट का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, या सर का दर्द हो, हर किस्म के दर्द का ये इलाज है। अफसोस की बात यह है कि बाज़ार बहुत बड़ा हो गया है जड़ी बूटियों का, आयुर्वेद का, लेकिन अभी भी इन लोगों को इसके उचित दाम नहीं मिलते हैं। इनको एक ख़ास व्यापारी को ही बेचना पड़ता है, जो अपने मन माफिक दामों पर इनसे खरीदता, 60 रुपये प्रति किलो, जैसे कि हमने पहले भी बताया था। इनको ये अगर इस स्थिति में ले जाके बेचेंगे इस जड़ को, तो 60 रुपये किलो बिकेगी, और सूखने के बाद वो 120 रुपये किलो हो जाती है।
इस तरह जंगल में 5-6 घंटे बिताकर हम उनकी बस्ती की तरफ लौट पड़ते हैं। वापसी में अदल बदल कर साइकिल चलाने का फैसला हुआ, क्योंकि अब मेरी टांगें जवाब दे चली थी और पसीने से हम लथपथ हो चुके थे। बस्ती पहुंचते पहुंचते शाम हो चली थी। बस्ती में मौजूद लोगों से अब हमारी दोस्ती भी हो चुकी थी। इन बस्तियों में एक भी परिवार गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठा है। पिछले 30 सालों में कम से कम 5 एक्शन प्लान बने हैं, बजट भी दिया गया है। अब ये बजट कम था या योजनाएं बनाने में भूल, कोशिशों में कमी भी एक वजह हो सकती है। नवीन पटनायक इसी के बोलाता हूँ, कलेक्टर साहब उसी के बोलाता हूँ, सब कलेक्टर को भी बोलाता हूँ, ITD को भी बोलाता हूँ, BDO जो रहता है को बोलाता हूँ, लदा ऑफिसर जो रहता ताको ही बोलाता हूँ, नीचे ले के लिए एक्शन प्लान ले आता हूँ, इस भी कुछ नहीं करता तो मैं क्या करूँगा। लोधा जनजाति को सरकार ने PVTG की श्रेणी में रखा है, यानी आदिवासियों में भी लोधा आदिवासियों में सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन ज्यादा है। सन 1986 में सरकार ने लोधा आदिवासियों के लिए लोधा विकास एजेंसी का गठन किया। इस एजेंसी के काम में लोधा आदिवासियों की आबादी में वृद्धि पर नजर रखने के अलावा कई जिम्मेदारियां शामिल हैं। मसलन लोधा आदिवासियों के लिए घर का इंतजाम, स्कूल और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पोषण, और सबसे अहम जीविका के साधन यानी उनकी रोजी रोटी का इंतजाम। इन लोधा आदिवासियों के लिए रोजी रोटी के वैकल्पिक साधन तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन योजनाओं के तहत दिया गया पैसा सड़कों और सोलर पैनल पर ज्यादा खर्च हुआ है। डीलर में चाल मिला था, जो डीलर बोला के देखा था, तुम नहीं होगा, तुम्हारा पासबुक कहाँ है, ये तो कैशबुक नहीं है तुम्हारे पास है, एक पासबुक के रहता तुमको पासबुक के टका मिलेगा, इसलिए तुमको चावल मिलेगा, नौचित नहीं मिलेगा। और भी लेकिन बोला था वो कोई ना आधार कार्ड मिला था, हाँ तो पासबुक ये जर्ज करता है ना, तुम्हारा आधार कार्ड ना मिलेगा नहीं तो तुमको मिलेगा नहीं। लोधा आदिवासी यूं तो खेती में माहिर नहीं है, लेकिन खेती करना सीख रहे हैं। लेकिन सभी परिवारों के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है। मयूरभंज जिले के दो ब्लॉक मोरडा और सूलियापदा में लोधा आदिवासियों की कुल 12 गांव या बस्तियां हैं। इनमें कुल आबादी 3,541 है। सन 2015-16 के एक सर्वे के हिसाब से कुल 1,103 लोधा परिवार हैं और इनकी आबादी में करीब 429 का इजाफा हुआ है, यानी जनसंख्या वृद्धि दर करीब 13.78% है। साक्षरता की बात करें तो कुल साक्षरता दर 37.01% है। लोधा आदिवासियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष स्कूल बनाए गए हैं, जिनमें बाकायदा हॉस्टल की व्यवस्था भी है। वही जो टीचर रहते हैं लड़ी, वो तो फिर संताली जो भाषा कहा है, जो संताली भाषा किसी को जो हमारा लोधा बच्चे को समझ आता नहीं, उसे बात कर लेता है, उन्हें समझ लेता है, और लोधा जितना ही होते हैं है? सबको छुट्टी दे देता है। हाँ अच्छा, तो आपके बच्चे वहाँ जो पढ़ने जाते हैं आप उनको भगा देते हैं।
गरीबी, शिक्षा की कमी और खुद को जिंदा रखने की चुनौती। लोधा आदिवासी इनसे जूझने के साथ साथ पहचान का संकट भी झेलते हैं। 1962 में उस कानून को समाप्त कर दिया गया जिसके अनुसार लोधा आदिवासियों की पहचान अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के तौर पर होती थी। लेकिन अफसोस के इन आदिवासियों की पहचान को लेकर आज भी समाज में वही धारणा मिलती है। इस लोधा आबादी की बस्ती में लगभग हर आदिवासी परिवार के पास तरह तरह के कार्ड मौजूद हैं। आप राशन कार्ड की बात करें, वोटर आई कार्ड की बात करें, आधार कार्ड की बात करें, जॉब कार्ड की बात करें या फिर एटीएम की बात करें। जी हाँ, जनधन योजना के तहत खाते खुलने के बाद इन सभी परिवारों के पास एटीएम कार्ड भी मौजूद हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक राशन कार्ड को छोड़कर इनके लिए सभी कार्ड बेकार हैं। यहाँ तक कि जॉब कार्ड होने के बावजूद मनरेगा में इनको सरकार मजदूरी तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इसकी क्या वजह है? एक छोटे से ब्रेक के बाद एक चर्चा में कुछ उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। वैकल्पिक रोजगार की जो व्यवस्था करनी थी, क्या वो हुई है लोधाओं के लिए? मैं सोचता हूँ कि उन लोगों को बहुत से बहुत अवेयरनेस की दरकार है। हाँ। क्योंकि वो लोग वन डे लाइफ जीते हैं। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है मैं भी भारत कार्यक्रम में। मैं हूं श्याम सुंदर। हम मैं भी भारत की इस विशेष श्रृंखला में बात कर रहे हैं उड़ीसा राज्य की आदिम जनजातियों की, जिन्हें पीटीजीज कहा जाता है, यानी कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। और आगे की चर्चा के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मेरे दाईं तरफ बैठे हैं कारू सोरेन, जो स्पेशल ऑफिसर हैं लोधा डेवलपमेंट एजेंसी मोरडा के। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। उनके साथ बैठे हैं सोबेन हासदा, जो सरपंच हैं चिटामाटिया गांव के, जहां पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सरपंच साहब। दुर्गेश मिश्र उनके साथ बैठे हुए हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, एक गैर सरकारी संस्था में यहां पर काम करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बाईं तरफ मेरे बैठे हैं विवेकानंद पटनायक, ये भी एक गैर सरकारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी हैं उस संस्था के और काफ़ी लंबे समय से आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हैं। उनके अलावा हमारे साथ बैठी हुई हैं द्रौपदी कोटवार, जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशन की सेक्रेटरी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपके साथ शुरू करना चाहूँगा। लोधा डेवलपमेंट एजेंसी यहाँ पर है और लोधा डेवलपमेंट एजेंसी का ये काम है कि इनका जो पुनर्वास है वो प्रॉपरली हो पाए, इनका जीवन बेहतर हो पाए। क्या क्या मैंडेट है आपकी एजेंसी का और क्या क्या आप करते हैं, सबसे पहले ये बताइए। हमारा जो दो ब्लॉक है मोरडा और सूर्यापदा यहाँ के जी। उन दो ब्लॉक में टोटल 12 विलेजेस हैं, उसी विलेज में रहते हैं। वो जो 12 विलेज को लेके लोधा डेवलपमेंट एजेंसी शुरू हुआ था 1986 में जी। इस एजेंसी का काम है बेसिकली ये जो लोधा प्रिमिटिव ट्राइब है जी। उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उसी में आपका एजुकेशन भी आता है, हेल्थ सेक्टर भी आता है, लाइवलीहुड भी आता है, सोशल सिक्योरिटी भी आता है। सरपंच साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ये सड़क जो बनी मनरेगा के तहत, यहाँ के लोगों को काम नहीं मिला, ठेकेदार ने बाहर के लोगों से लाके काम करवाया, क्या ये बात सही है? नहीं, यहाँ का लोगों को काम किया था। लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ के लोगों को काम नहीं मिला। अभी तो हुआ नहीं ये रोड। हाँ। मेरे पहले हुआ था। अच्छा, आपके पास मैं दुर्गेश जी आना चाहूँगा। क्या ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड क्रिएट जो करना था, वैकल्पिक रोजगार की जो व्यवस्था करनी थी, क्या वो हुई है लोधाओं के लिए? मैं सोचता हूँ कि उन लोगों को बहुत से बहुत अवेयरनेस की दरकार है। हाँ। क्योंकि वो लोग वन डे लाइफ जीते हैं। विवेकानंद जी, आपके पास आना चाहूँगा, आपका लंबा अनुभव है यहाँ पर। जो दुर्गेश जी कह रहे थे कि लोधा जो है वो आज के लिए जीता है, वो कल के लिए नहीं बचाता है, तो जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड का सवाल है, क्या उसको एड्रेस किया जा रहा है प्रॉपरली या अप्रोच में ही कुछ प्रॉब्लम है?
एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जो डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं, हम लोग जो सोचते हैं कि उनके लिए अच्छा है, हम लोग चाहते हैं कि ये उनको चाहिए, मतलब अच्छा रहेगा, ठीक है, हम उनसे बैठ के बात करके उनको डकलिंग चाहिए या मुर्गा चाहिए या क्या चाहिए या जो चीज़ वो कर रहे हैं उससे उनको कैसे आगे ले जाके जो चीज़ में वो स्पेशलिस्ट है। मैक्सिमम टाइम जो डेवलपमेंट सेक्टर में जो होता है, जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग देना चाहते हैं, इनके लिए अच्छा रहेगा, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उनसे उनको क्या चाहिए। द्रौपदी जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपको हिंदी समझ में आती है? बांग्ला बुझते पढ़े? चलो बांग्लाते हमें कदा उचित। को तो ग्रुप्स रोई छे तुम्हारे फेडरेशन है, को तो मेंबर आछे? 12 टा मेंबर आछे। तो कि तुमरा कि जे जेरा जड़ी बूटी एरा जंगल थे के आने ओटा किनते शुरू करेछो ना प्लान रोई छे करबे की करो तुमरा काजटा मांगे बोलो एकटू। ए मेंबर जणे करितला ए धुंदे करितला ताको पैसा देइथिले से करितला आर आमे केते गा किणे कि अलगा लोक को देले अलगा लोक हाई दाम रे आमे 50 टंका रे किणी थिले तापर ए वर्ष 70 टंका रे बिक्री करले। कारू सुरेन जी, आपने सुना इनको, इनका कहना है कि अब नहीं खरीद रहे हैं, उधर से भी आवाज आ रही है, सब कह रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं आप लोग, जितने भी हमारे यहाँ पर लोधा साथी बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं आप नहीं खरीद रहे हैं। उन्होंने बोला खरीद रहे हैं लेकिन अब नहीं खरीद रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो नहीं खरीद रहे हैं। वो जो ये है ना फेडरेशन जो बना है, नहीं वो बोल रहे हैं फेडरेशन में खरीदना शुरू किया था लेकिन अब नहीं खरीद पा रहे हैं। अच्छा चलिए, ये तो फेडरेशन की बात हुई, अच्छी बात है कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोजगार का जो साधन है वो किस हद तक आपने दिया है और क्यों नहीं दे पाए, क्या चुनौतियां हैं? ये जो चिकटा मटिया गांव है, इस गांव में हमारा पास में एक काजू का एक फील्ड भी है जिन लोगों का, और अभी 7 दिन पहले मेज का भी यहाँ ये हुआ है, एग्रीकल्चर के साथ हमने कन्वर्ज करके मेज का भी कुछ बुआई किए हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट भी है, उन लोगों का रोजगार भी है, लेकिन उसमें थोड़ा क्या है कि इतना हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं इतना नहीं हो पा रहे। 1986 में लोधा डेवलपमेंट एजेंसी बनी, 30 साल क्या कम होते हैं कि आप उनके लिए वैकल्पिक रोजगार का साधन कर पाएं? कितने लोधा आदिवासियों को ज़मीन दी गई है FRA के तहत, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, क्या लोधा आदिवासियों को खेती करने के लिए ज़मीन मिली है, पट्टा मिला है? जी, जी। कितने लोगों को मिला होगा? अभी हमारा यहाँ जो जितने 12 विलेज हैं, 12 विलेजेस हैं, उसमें 617 जी 617 लोगों को अभी तक मिल चुका है, अभी प्रोसेस में भी है, इंडिविजुअल फॉरेस्ट जो लैंड है जी FRA के अंडर में जो मिला जी 617 को मिल चुका है। चलिए मैं आप लोगों से बात करता रहूँगा, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर लोधा आदिवासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनमें से हम लोग बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अच्छा आप कह रहे थे, आप खड़ी होइए, नाम मुझे अपना बता दीजिए। नाम धुंधी कोतवाल। ये बताइए कि आपके गाँव में कितने लोगों को ज़मीन का पट्टा मिला है? को तो लोग जमी पे छे चाषेर जन ने सरकार थे के ए 8-13 जन पट्टा पाबे। हां, और को तो जन पे गए छे आगे 10 ना 12 और को तो बाड़ी को तो घर एक एकर जगह ना को तो घर रहे छे तुम्हार ग्राम में? बहुत घर छे आगु 33 टा घर छे। हां, ये खाने एखन बहुत घर गए छे नाय गंती न होले बोले पारबो नहीं सर। अच्छा बैठिए आप, की नाम तुम्हार? वैधन नाय। तुम्हें जमी पेचो? ना जमी मिली नहीं। मिली नहीं? चासेर जोने जमीन पाओ नहीं? ना ना पाई नहीं। की नाम तुम्हार? कुना नायक। अच्छा एक टा कथा बोलो, जेकन जोकने रास्ता होए छे एकाने, तुमरा काज पेचो एटाते? हाँ, करिस। तो एक दिन को तो पोशा पाओ? एक दिने 130 टका मजूरी होई छिलो। अच्छा 130 रुपया मिला आपको? अच्छा बैठ जाइए आप भी। कारू सोरेन साहब, कल जब हम लोग इन लोगों से बात कर रहे थे, ख़ास तौर पे हॉस्टल को लेके हम लोग बात कर रहे थे, तो इनका ये कहना था कि जो स्कूल में जो अध्यापक हैं वो जो हैं या तो संथाल हैं या दूसरे आदिवासी हैं, और लोधा बच्चे जो हैं उनकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं, और उस वजह से जो बच्चे अपनी बात कह सकते हैं या बच्चों को जो कन्वे करना चाहिए या पढ़ाई में जो आसानी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। इनकी अलग भाषा है और अध्यापक जो हैं
वो अलग भाषा में बात करते हैं और पढ़ाई उड़िया में होती है, तो क्या इस पे कभी ध्यान गया है आप लोगों का? जी जी, हमने ये जो स्पेशल प्रोजेक्ट जो हुआ है एजुकेशन के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए 2008 में शुरू हुआ जी। तब उसमें गाइडलाइन में इंस्ट्रक्शन ये था जो पहले उसी कम्युनिटी का लोगों को प्रायोरिटी दिया जाए जी। उसी टाइम में प्रायोरिटी भी दिए थे, उसमें 3 लोधा कम्युनिटी के अभी टीचर हैं जी। और मिनिमम क्वालिफिकेशन जब प्लस टू था उसी टाइम में लोधा के कोई प्लस टू वाले कोई नहीं थे जी। तो सेकंड प्रायोरिटी था ट्राइब, नॉर्मल ट्राइब। नॉर्मल ट्राइब मतलब इस इलाके में मेनली संताली हैं जी। तो संताल ट्राइब ज़्यादातर हैं उसमें। जितनी बार भी हम ओडिशा की जो जिनको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता है, जिनको आप आदिम जनजाति कहते हैं, जिनके पुनर्वास पर सरकार 1986 से यहाँ पर एक अलग से एजेंसी बनाकर काम कर रही है, आज भी रोजी रोटी का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल और शिक्षा का सवाल वैसा ही खड़ा है। कुछ काम ज़रूर हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर बना है, लेकिन बार बार हमें ये महसूस होता है कि जो अप्रोच है उसको बदलने की ज़रूरत है, और एक कार्यक्रम आप जब बनाते हैं उसकी समीक्षा की ज़रूरत है, और अगर उसमें बदलाव किए जाने की ज़रूरत है तो वो भी किए जाने चाहिए। मैं भी भारत की पूरी टीम को यहाँ से इजाज़त दें, एक और एपिसोड के साथ ओडिशा से ही आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।